तो आज का टॉपिक है सरफेस डिसइंफेक्शन। तो एनएबीएच में इम्पोर्टेंट क्वालिटी सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो अपना हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल की साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। वो रूल्स रेगुलेशन कैसे है, कैसे अपने हॉस्पिटल की साफ सफाई रखनी चाहिए, इसके बारे में आज यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा। तो सरफेस डिसइंफेक्शन, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग केबिन्स है, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल वार्ड, कैजुअलिटी, ओपीडी, रिसेप्शन एरिया, ऐसे अलग अलग जगह अपने हॉस्पिटल में होती है। तो इसमें कौन से एरिया में कितनी बार साफ सफाई होनी चाहिए और वो साफ सफाई यानी क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन जो है वो कितनी बार और कौन से फॉर्मूला से करना चाहिए, इसकी जानकारी अब हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले है वार्ड। जनरल वार्ड में साफ सफाई कितनी बार और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। तो जनरल वार्ड में दिन में कम से कम 4 बार साफ सफाई होनी चाहिए। तो साफ सफाई कौन सी चीज से करनी चाहिए, केवन सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो सॉल्यूशन लेके आना है, वो सॉल्यूशन से हमें साफ सफाई करनी है। तो ये सॉल्यूशन कितना लेना है, कितने वाटर में कितना एमएल लेना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 5 लीटर वाटर में 10 ml ये सॉल्यूशन हमें यूज करना है। कितना, 5 लीटर वाटर में 10 ml K1 सॉल्यूशन लेना है और उसके साथ ही वो वार्ड की साफ सफाई करनी है। दिन में कितनी बार, 4 बार K1 सॉल्यूशन से और 1 बार किससे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। 4 बार K1 सॉल्यूशन से और 1 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ सफाई होनी चाहिए, यानी दिन में टोटल 5 बार साफ सफाई होनी चाहिए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना लेना चाहिए 5 लीटर वाटर में या 4 लीटर वाटर में, वन लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेना चाहिए डेली, दिन में 1 बार, और उससे ही जो भी आप साफ सफाई करते हो वो साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाई रिस्क एरियाज यानी कौन से एरियाज आते हैं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, कैजुअलिटी, बराबर। तो ये हाई रिस्क एरिया में कैसे साफ सफाई होनी चाहिए, तो हाई रिस्क एरिया में भी दिन में 4 और 1 5 बार साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीनिंग होनी चाहिए और K1 सॉल्यूशन से दिन में 1 बार, ठीक है। कैसे लेना है सॉल्यूशन मैंने बताया है, ठीक है। तो ये चीज रेगुलरली हॉस्पिटल में फॉलो होनी चाहिए। इसके बाद है हाई रिस्क एरियाज, इक्विपमेंट्स एंड सर्फेसेस। हाई रिस्क एरियाज में जो इक्विपमेंट्स होते, आईसीयू में वेंटिलेटर्स है, मॉनिटर है, मोबाइल एक्सरे यूनिट होते हैं, तो ये सारी चीजें, सिरिंज पंप, डिफिब्रिलेटर, इसकी भी साफ सफाई डेली होनी चाहिए। डेली कितनी बार होनी चाहिए, 3 बार, एंड पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद। अगर 3 बार आप साफ सफाई कर चुके हो फिर भी अगर उस दिन पेशेंट उसके बाद डिस्चार्ज होता है तो 4थी बार करनी पड़े तो भी आपको क्लीनिंग करना है। तो अभी ये क्लीनिंग कैसे करना है, 2% बैसिलोसिड, 2% बैसिलोसिड से ये साफ सफाई करना है।
इसमें आपके नर्सिंग काउंटर, नर्सिंग ड्रेसिंग ट्रॉली, मेडिसिन ट्रॉली, कैश कार्ड, बेड्स, मॉनिटर्स, वेंटिलेटर, सिरिंज पंप, ये सारी चीजें इसमें आई। अब ये कितनी मात्रा में लेना है ये बताऊंगा आपको। ये बैसिलो सीड सोल्यूशन 20 ml लेना है। कितना? 20 ml लेना है 1 लीटर वाटर में, और उसके साथ ये साफ सफाई करनी है। ठीक है, समझ में आया? यस। इसके बाद है लो रिस्क एरियाज। लो रिस्क एरियाज यानी वार्ड में, जैसे आईसीयू में और ऑपरेशन थिएटर में, कैजुअलिटी में, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही वार्ड्स में ये सारी चीजें होती है, नर्सिंग काउंटर वार्ड्स में भी होता है, लेकिन वहां पे जो इक्विपमेंट्स है वार्ड में और जो नर्सिंग काउंटर है वो हाई रिस्क एरिया में नहीं है, वो लो रिस्क एरिया में है। तो इसकी भी साफ सफाई दिन में 3 बार होनी चाहिए। इसके लिए 0.5% बैसिलोसिड यूज करना है, समझे? 2% बैसिलोसिड्स फॉर हाई रिस्क एरियाज एंड इक्विपमेंट्स, और 0.5% फॉर लो रिस्क एरियाज। ठीक है, सबको समझ में आया? क्वांटिटी इसके लिए 5 ml इन 1 लीटर वाटर, 5 ml बैसिलोसिड इन 1 लीटर वाटर इसमें लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स की साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, जैसे स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप भी हमें डेली क्लीन करना चाहिए। तो कैसे क्लीन करना चाहिए? स्टेथोस्कोप क्लीन करने के लिए स्पिरिट स्वैब यूज करना है। स्पिरिट से पूरा स्टेथोस्कोप क्लीन करना है और उसको यूज करने से पहले सुखाना है। करते हैं सब लोग? ओके, ठीक है। उसके बाद सक्शन बॉटल। आईसीयू में हम सक्शन करते हैं, ओटी में, अदर एरियाज में सक्शन करते हैं। ठीक है, वो सक्शन के बॉटल्स रहते हैं, उसका क्लीनिंग भी होना डेली जरूरी है। उसको कैसे क्लीन करना है? उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेना है 100 ml वाटर में, और वो सक्शन बॉटल के लिए यूज करना है। इसके जो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है और वाटर है, इसको कम से कम 20 से 30 मिनट वो बॉटल में रखना है, और उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद सोप वाटर से वो बॉटल क्लीन करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर 20 से 30 मिनट उसमें रखना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है, और उसके बाद सोप वाटर से वॉश करना है। किस चीज के बारे में बताया मैंने? ये सक्शन बॉटल्स की क्लीनिंग ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद है बीपी अपरेटस। बीपी अपरेटस भी डेली क्लीन होना चाहिए या जरूरी है। बीपी अपरेटस कैसे क्लीन करना है? जैसे बताया स्टेथोस्कोप, वैसे ही बीपी अपरेटस स्पिरिट से क्लीन करना है। इसके बाद है मेडिसिन कंटेनर। बहुत सारी जगह मेडिसिन कंटेनर्स होते हैं, उसको हमें सोप वाटर से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सब लोग क्लीन करते हैं डेली पेशेंट चेक करने के बाद। कैसे क्लीन करते हैं? स्पिरिट स्वैब से। स्पिरिट स्वैब से कैसे क्लीन करेंगे? बल्ब से लेकर रूट तक जाते हैं, यूज करने के बाद हम लोग रूट से क्या बल्ब तक क्लीन करते हैं। अपसाइड डाउन थर्मोमीटर अपसाइड डाउन क्लीन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमिडिफायर बॉटल। ह्यूमिडिफायर बॉटल कैसे क्लीन करेंगे?
इसे डेली सोप वाटर से क्लीन करना है। कैसे? सोप वाटर से क्लीन करना है, उसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर फिल करना है, ठीक है, डिस्टिल वाटर फिल करना है, और जब भी ये यूज में ना हो तो उसे ड्राई ही रखना है, ठीक है, जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसको ड्राई रखना है। उसके बाद अम्बू बैग, अम्बू बैग का कैसे क्लीनिंग करेंगे? वॉश इट विथ सोप एंड वाटर, सोप वाटर से उसको वॉश करना है और उसके बाद ईटीओ स्टेबिलाईजर में भेजना है, ईटीओ स्टेबिलाईजर में भेजना है, ठीक है। लैरिंगोस्कोप विथ ब्लेड, इसका क्लीनिंग कैसे करेंगे? लैरिंगोस्कोप का जो ब्लेड है उससे कैसे क्लीन करेंगे? विथ सोप एंड वाटर, और उसका हैंडल एंड बल्ब स्पिरिट से क्लीन करना है। अगर इन्फेक्टेड है फेमस तो उसे 2.4% ग्लूटरला डिहाइड में क्लीन करना है। इन्फेक्टिव पेशेंट में अगर यूज किया, इन्फेक्टिव यानी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पेशेंट है या और कुछ पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको ग्लूटरला डिहाइड सॉल्यूशन में वॉश करना है, क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेटर ट्यूबिंग, इसको कैसे क्लीन करेंगे? वेंटिलेटर ट्यूबिंग को क्लीन नहीं करते, इट्स फॉर वन टाइम यूज ओनली, समझ लो, वन टाइम यूज ओनली। उसके बाद बेड पैन एंड यूरिनल, बेड पैन देते हैं हम पेशेंट को, यूरिन पॉट देते हैं, उसको कैसे क्लीन करना है? इसे हमें सोप एंड वाटर से क्लीन करना है, उसके साथ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड भी उसके लिए यूज करना है, सोप एंड वाटर और 1% हाइपोक्लोराइड, और आइडियली आजकल डिस्पोजेबल भी यूज करते हैं।